आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द रेशियो 9:7 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ये 9:7 रेशियो जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है या किस टाइप के इंटरेक्शन में ये रेशियो प्रकट होता है, तो वहां पर अपन बात करें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में क्या होता है, ये फेनोटाइपिक रेशियो तभी ही सो हो पाता है जब दोनों जीन जो हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो। जब दोनों जीन के प्रोडक्ट बनते हैं डोमिनेंट करेक्टर के रूप में हो, दोनों जीन का कम से कम एक एलील, तो ही जो है करेक्ट फिनोटाइप रेशियो आता है। तो इस कंडीशन में जो रेशियो 9:3:3:1 आना चाहिए था डाइहाइब्रिड का, उस केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडीशन क्या होती है, 9 के केस में कैपिटल आर के साथ जो है कैपिटल वाई होता है नॉर्मली अपन बात करें, यहाँ दूसरे टाइप में कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल वाई, और ये वाला जो है कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर होगा यहाँ, और ये कैपिटल वाई वाला रेशियो होगा, और वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई को। तो यहाँ पर जो है चूंकि 9:9 वाले जो रेशियो उसमें दोनों एलील जो है उनकी कम से कम एक, दोनों जीन जो है उनकी कम से कम एक एलील डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये जो करेक्टर जो शो करेगा वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पर जो है केवल एक होंगे और यहाँ भी केवल एक डोमिनेंट होगा, यहाँ कोई डोमिनेंट नहीं है, तो बाकी जो तीनों लास्ट के जो करेक्टर हैं या 9 के बाद जो रेशियो आएगा वो सारे जो है इनमें से कोई भी इफेक्ट कोज नहीं कर पाएगा, तो ये जो है ये सारे ऐड हो जाएंगे और इनमें कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस तरह जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:7, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो होता है। वहीं सप्लीमेंट्री जीन्स की बात करें तो सप्लीमेंट्री जीन्स जो होते हैं उनमें जनरली ये रेशियो नहीं आता, सप्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:4, 9:3:4, ये रेशियो होता है सप्लीमेंट्री जीन्स का। लिथर जीन्स के केस में जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है अर्ली, अपन बात करें जन्म की अर्ली अवस्थाएं जो होती है उनमें, या फिर फिटस के समय जो है भ्रूण के विकास के समय भी मृत्यु हो सकती है। एपिस्टेटिक जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, मास्क कर लेते हैं या हाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे जीन के प्रभाव को मास्क कर लेते हैं, छिपा देते हैं, ऐसे जीन्स को एपिस्टेटिक जीन्स कहा जाता है, और जिन जीन्स का एक्सप्रेशन छिप जाता है उन जीन्स को कहा जाता है हाइपोस्टेटिक जीन। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केस में जो है वो रेशियो प्रकट होगा। कौन सा रेशियो प्रकट होगा, 9:7 रेशियो जो है वो प्रकट होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केस में। इस तरह इस क्वेश्चन में ये आंसर सही होगा ऑप्शन 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।